राजीव तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या चाहते हो तुम अब? तुम्हारा इंतजार करते करते वैसे भी हम कब का टूट चुके हैं। तुम चले जाओ यहाँ से राजीव, घर में बहुत लोग हैं, फंक्शन है, आज एंगेजमेंट है मेरी, कोई कोई देख लेगा तुम्हें राजीव, तुम चले जाओ यहाँ से। रेनू मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, भाग चलो मेरे साथ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया रेनू, चलो ना। नहीं राजीव, अब ये नहीं हो सकता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे हमारे परिवार की इज्जत पर आ जाए, घर में सब लोग टूट जाएंगे, हम इतने स्वार्थी नहीं बन सकते राजीव। और मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना रेनू, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, इतना कि आज तक कभी किसी से नहीं किया है, पर हम मजबूर है राजीव। फिर ऐसी क्या मजबूरी रेनू, अगर इतना प्यार करती हो तो भाग चलो ना मेरे साथ, मैं खुश रखूंगा तुमको। पर पापा उनका क्या होगा, वो ये अपमान नहीं सहन कर पाएंगे और हम ये नहीं देख पाएंगे। राजीव बहुत बहुत भरोसा करते हैं हम पर, वो ठीक अपनी बड़ी बेटी पर, हम उनका दिल नहीं तोड़ सकते राजीव, हम नहीं तोड़ सकते उनका दिल। बहुत उम्मीद से आया था तुम्हारे पास रेनू, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं रुको राजीव रुको, हम इस बारे में पापा से बात करेंगे। कब? जब तुम्हारी एंगेजमेंट हो जाएगी तब? एंगेजमेंट तो तोड़ी भी जा सकती है ना, पर अभी सही वक्त नहीं है और ना ही हमारी उतनी हिम्मत है। राजीव सही समय आने पर हम पापा से बात कर लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा रेनू, जल्दी आना। दीदी दीदी कमर पे कौन था? तुमसे मतलब? मतलब है दीदी ये वही लड़का है ना जो कानपुर में आपके पीछे था? हाँ वही है। दीदी आप क्या कर रहे हो, ये लड़का आपको पहले भी धोखा दे चुका है, दोबारा धोखा दे सकता है? दीदी पापा के बारे में तो सोचिए। अनन्या आई लव हिम, अनन्या आई रियली लव हिम। अच्छा ठीक है, हम पापा से बात करेंगे, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पापा को शर्मिंदा होना पड़े। अनन्या ठीक है, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पापा को शर्मिंदा होना पड़े।